हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो गेम एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, सो आपके लिए आज मैं एस्फाल्ट 9 का लैपटॉप और मोबाइल रिव्यू दोनों लेके आया हूँ। आपको दोनों में बता दूंगा कि ये कैसे चलती है, और लैपटॉप में खेलने का यार इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इसमें, जितना मोबाइल में नहीं आता। सही में बता रहा हूँ। देखो, मेरे पे AMD का 2GB का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, इंटेल i3 का है, लेनोवो का। ये मेरे मुझे नाना ने दिलवाया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट था, तो मेरे नाना जी ने दिलवाया था लैपटॉप। तो मेरे नाना जी जो है जॉब करते थे गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने मेरे को दिलवाया था। दोस्तों, आज मैं नाना की बदौलत ये गेम खेल के आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख लो। इसमें मोबाइल में दिखाऊंगा इसके बाद, जो कि मेरा ओनर 9X प्रो है, जो कि अब 18,000 रुपये का मिल रहा है आपको, जो पहले जो है 15,000 रुपये का मैंने ले लिया था, अब वो 18,000 रुपये का मिलने लग गया है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड। देखो, ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी, और इसमें जो है आपको कीज़ वगैरह का ध्यान रखना है। जो मोबाइल का है उसमें आपको कीज़ वगैरह का इतना ध्यान नहीं रखना, जबकि लैपटॉप वाले में आपको कीज़ वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं चलती, जो लैपटॉप है उसमें ऑटोमेटिक नहीं चलेगी आपकी एस्फाल्ट 9, आपको मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा। जबकि जो ये मेरा ओनर 9X प्रो है, इसमें मैंने डाल रखी है एस्फाल्ट 9, इसमें ऑटोमेटिकली ड्राइव होती है। ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने गेम स्टार्ट करी, तो आपको बता दूँ मेरे को जो है लेफ़्ट और राइट दोनों बटन, लेफ़्ट राइट जाने के लिए दबाने ही, प्रेस करने ही होंगे। अगर मैं प्रेस नहीं करूँगा तो ये लेफ़्ट राइट नहीं जाएगी। देखो, अगर आप लेफ़्ट राइट नहीं करना चाहते तो आप ASD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, S को अगर आप प्रेस करके रखोगे और D को प्रेस करोगे तो एक्सीलेटर आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, जो आप बाद में स्पेस बार दबा के, जो लैपटॉप का जो स्पेस बार होता है उसको दबा के आप सही तेज़ी से आप अपनी रेस बूस्ट कर। देखो, मैंने बूस्ट करी, देखो अपनी रेस, ये जो एनर्जी है ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स एक टाइम के बाद। तो हमें जो है इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है मिडल ऑफ द फोर्थ बटन जो होता है उसको दबा के लेफ़्ट राइट करने के लिए उसको बीच के बटन को दबाए रखना पड़ता है, जिससे कि एक्सीलेट एनर्जी हमें मिलती है। और ये लैपटॉप में बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही फ्रेंड्स, ये लेनोवो का G50 लैपटॉप है। ये देखो, मेरे को इसमें, देखो मैं फोर्थ या थर्ड पोजीशन पे ही आता हूँ, फोर्थ, थर्ड या फाइव, जो मोबाइल है उस पर मैं एटमोस्ट 1 और 2 पोजीशन में आता हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑपरेट करती है। अब ये फ्रेंड ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं करती, तो इसमें जो है मैनुअली करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ होती है। ये देखो, बीच में इसमें ऐड भी आ गई है कि अगर आपको इतने कॉइन चाहिए तो आप ऐड देखो, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं इसी लैपटॉप में आपको बहुत सारे गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ, आपको गेम, नई नई गेम डाउनलोड करके इस लैपटॉप में, जो है 250 GB की जो SSD लगी हुई है, तो आराम से इसमें मेरी 50-100 GB की गेम आराम से डाउनलोड हो जाएगी। 100 GB तक गेम इसमें आराम से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो 250 GB की है, उसमें से 150 GB स्पेस खाली है अभी, तो मैं एक बार ही एक गेम इंस्टॉल करके आपको दिखा दूँगा। अगर इतनी बड़ी तो वैसे भी कोई गेम होती नहीं है। जो GTA 5 है वो भी 60 GB की है, तो इसमें मैं आराम से 15-20 गेम एक साथ डाउनलोड करे रख सकता हूँ। मैंने अभी बड़ी SSD नहीं लगाई, अभी यूट्यूब थोड़ी चल जाए मेरी तो फिर मैं बड़ी SSD लगवा लूँगा। देख लो फ्रेंड्स, मैं कैसे कर रहा हूँ गेम को लॉन्च। ये देखो, लॉन्च हो गई है। ये मैं लास्ट बार आपको खेल के दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद आप लैपटॉप में डाल के खुद ही खेलना। इसके लिए आपको मिनिमम जो है i3 होना चाहिए और 4 GB की रैम होनी चाहिए आपके पास,
अगर आपको ये गेम विदाउट लैग चलानी है तो आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होगा, जिससे आपके ग्राफिक अच्छे आएंगे। मेरे इस लैपटॉप में मैंने आपको दिखाया था AMD का ग्राफिक कार्ड है, तो AMD के ग्राफिक कार्ड अच्छा होता है। तो आपको लेनोवो का G50 लैपटॉप लेना है तो ले सकते हो। अगर आपको इसका गिव अवे चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे 6000 लाइक कर दो। अगर इस वीडियो पे 6000 लाइक आ गए तो मैं इस लैपटॉप का गिव अवे कर दूंगा आपको। पर मैं आपको ये वाला लैपटॉप नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे नाना ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं आपको ऐसा ही नया लैपटॉप लेके दे दूंगा जो भी इसको जीतेगा गिव अवे को। मैं आपको सेम मॉडल लेके दे दूंगा फ्रेंड्स नया, जो भी इस गिव अवे को जीतेगा मैं उसको नया लैपटॉप लेके दूंगा, और मैं उसका नाम बकाया सब कुछ लूँगा और उसको ये लैपटॉप बिल्कुल नया लेके दूंगा। क्योंकि मैं लैपटॉप नहीं दे सकता क्योंकि मेरे नाना जी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं नहीं दे सकता फ्रेंड्स, ये समझा करो। मैं आपको नया लेके दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको लैपटॉप का S14 के बारे में समझ आया हो तो देखना, मैं जो है मोबाइल में खेल के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा मोबाइल और लैपटॉप का S14 में। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरा ऑनर 9X प्रो, आपको X डिज़ाइन दिखा देता हूँ पहले। यार मतलब जब भी मैं कहीं लाइट वाले एरिया में जाता हूँ ना, तो यार लाइट जब इस पे पड़ती है और जो लोग आजू बाजू में खड़े होते हैं, जो रात का टाइम होता है आजू बाजू में जो लोग खड़े होते हैं, वो यार इसको देख के यार इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक्स बनता है ना जो इस फ़ोन पे, यार वो कमाल का ही है। और ये फ़ोन अब जो है ना 18,000 रुपये का मिलने लग गया है। तो यार मैंने तो मौके का फ़ायदा उठा लिया, जिन्होंने नहीं उठाया वो अब बैठे हुए हैं। तो देखो यार मैंने इसमें गेम लॉफ्ट की S14 डाउनलोड कर रखी है, और इसमें यार मैंने मतलब इतनी सारी गेमें डाउनलोड कर दी है ना, 256 GB में अभी 100 GB नहीं भरी होगी। तो यार इस मोबाइल का भी इसमें मैं गिव अवे कर रहा हूँ। यार आप लाइक तो करो यार, 6000 लाइक तो करो। 6000 लाइक आने के बाद मैं आपको एक चीज़, या मोबाइल या लैपटॉप, मैं गिव अवे का जो विनर होगा उससे पूछूंगा कि भाई तेरे को लैपटॉप चाहिए मोबाइल चाहिए। हालांकि जो लैपटॉप का प्राइस है वो अभी 24,000 रुपये चल रहा है, 23-24 हज़ार रुपये चल रहा है लेनोवो के, और इसका प्राइस मोबाइल का प्राइस 18,000 रुपये चल रहा है। तो दोनों में से मैं एक चीज़ें उससे पूछूंगा कि भाई तुझे क्या चाहिए गिव अवे में, मोबाइल चाहिए लैपटॉप चाहिए, तू मुझे बता दे, मैं तेरे को वो गिव अवे कर दूंगा। सिर्फ 6000 लाइक अगर आ गए इस वीडियो पे तो मैं कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आपको S14 खेल के दिखा दूँ पहले, देख रहे फ्रेंड्स मैं बोलूँगा नहीं, बस आप देखना। तो देखो फ्रेंड स्टार्ट कर दिया मैंने। अब देखो इसमें मोबाइल में आपको क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ पहले। देखो ये जो मोबाइल है इसमें हमें कुछ भी राइट लेफ़्ट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसमें नाइट्रो दबाओ, पावर बढ़ाओ और भगाओ गाड़ी। आप जितनी जल्दी गाड़ी भगा सकते हो भगाओ। जबकि लैपटॉप होता है उसमें हमें लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना पड़ता है, मिडल का बटन का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो नाइट्रो प्रेस करो और भगाओ। अब जितना ज़्यादा भगाओगे, देखो मोबाइल में खेलने का तो अलग ही मज़ा आता है यार दोस्तों, जो मोबाइल में एक्सपीरियंस है वो लैपटॉप में क्या है, क्योंकि उसमें यार हमें इधर उधर करना पड़ता है यार, जिससे बहुत टेंशन होती है। हमें जो है गाड़ी फास्ट भगाने में ही मज़ा आता है।
और यार मैं खुद गाड़ियों का शौकीन हूँ, मैं जितनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाता हूँ मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा आता है। यार अब आप बताओ गाड़ियाँ भगाने में आपको क्यों मज़ा नहीं आएगा, जब आपको ऐसे राइट लेफ्ट करोगे यार उसमें तो पंगा हो जाएगा ना, जितनी ज़्यादा गाड़ी भगाओगे यार उतना ही तो मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना अच्छी लग रही हो तो। यार देखो मैं फर्स्ट फर्स्ट नहीं फर्स्ट आया हूँ, देखो यार मोबाइल में हमेशा फर्स्ट सेकंड आता हूँ, बस यार लैपटॉप की यार पता नहीं बकचोदी क्या है मेरे को समझ नहीं आती। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलता हूँ आपसे कल।